मैं आदरणीय पायलट साहब को बताना चाहता हूं कि ये हुजूम राजस्थान की 200 विधानसभाओं से, कोने कोने से, गली गली से मजदूर किसान के बेटे आज आपको देखने के लिए आए, क्योंकि इन लोगों को उम्मीद है कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हो। इन लोगों को आज वो आपकी रक्त रंजित तस्वीरें याद है, जब सड़क पे आप किसान, मजदूर, कमजोर और शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ते, प्रशासन की लाठी खाते थे। इन लोगों को उम्मीद है आज प्रदेश के अंदर अन्याय परवान पे चढ़ रहा है। आज से 25 साल पहले यूपी बिहार के अंदर जो जंगल राज हो रहा है, आज राजस्थान की वो स्थिति प्रशासन बनाने उस दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है। इसको रोकना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारी पार्टी में कोरोना आ गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं, कोरोना पार्टी में नहीं, प्रदेश में आ गया है। तीन दहाड़े एक किसान की हत्या कर दी जाती है, एक बेटी की गोद में वो अपना दम तोड़ देता है। ये दिन प्रतिदिन पर्चे लीक होते जा रहे हैं, पर्चे पे पर्चा लीक होते जा रहा है। ये छात्र शक्ति, युवा शक्ति ये अन्याय कब तक सहन करेगी? ये आदरणीय पायलट साहब आपसे न्याय की गुहार लगाती है, आपसे न्याय की उम्मीद करने आज इस विश्वविद्यालय के अंदर आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए एक उम्मीद लेके आए। इनके सपने पे, इनके भरोसे पे हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपको खरा उतरना है। प्रदेश के युवा इस राजधानी के अंदर और इस प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में नौकरियों की तैयारियां करने के लिए आते हैं। गांव का अन्नदाता, ढाणी का अन्नदाता, खून पसीने से सींच के फसल को पकाता, तैयार करता है, उसको बेच के अपने बेटे बेटियों का भविष्य देखता है। जब आखिर के अंदर परिणाम आता है, क्या पर्चा लीक हो गया? ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, अपन लोगों के बीच में आके जो किसान वर्ग की, मजदूर वर्ग की बात करते हैं, वो लोग सत्ता में आने के बाद, मंत्री बनने के बाद, बड़े बड़े ओहदों पर बैठने के बाद क्या करते हैं? अपने तुच्छ फायदे के लिए किसान परिवार के बेटे बेटियों का गला घोंटने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। ये युवा शक्ति ज्यादा दिन अन्याय सहन नहीं करेगी। ये तो कानून को और संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए बैठे हैं, नहीं तो हम लोग सिंहासन पर बैठाना जानते हैं तो सिंहासन को उतार फेंकना भी जानते हैं। यदि